हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेकी हीलिंग वर्ल्ड 8। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग लेके। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, सो मे भी आप में से किसी किसी के साथ रेजोनेट हो या ना हो, क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है। और जो दूसरी बात वो ये कि ये टाइमलेस है, सो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे या जब भी आपकी आपके चैनल के आगे ये पॉपअप होगी, तो इट मीन्स यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है। सो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। सो ये जो रीडिंग होने जा रही है, ये आपके पार्टनर के करंट इमोशंस के ऊपर रीडिंग है, ठीक है। चलिए मैं जब तक कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनका नाम भी आप अफर्म कर सकते हैं। चलिए डियर यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके करंट इमोशंस क्या हैं। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके करंट इमोशंस क्या हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। डियर यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई करें। सबसे पहले हम क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा जो मैं देख पा रही हूँ जो एनर्जी आई है वो है वॉन्ड्स की एनर्जी। मीन्स ही इज प्लानिंग समथिंग और शी इज प्लानिंग समथिंग, ठीक है। और जो दूसरा मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी स्टबर्न एनर्जी है, काफ़ी स्टक है एनर्जी में और काफ़ी मेहनत की जा रही है आप तक आने के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है 8 ऑफ पेंटिकल के साथ, तो ऑब्वियस है मेहनत के साथ आपके पास वापस आना चाहते हैं, कुछ अपना नाम बना के अपनी मेहनत करके आपके पास आना चाहते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ, तो बंदा जो है, जो आपके पर्सन हैं, वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं या एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं जिसमें वो भी बराबर का कंट्रीब्यूट कर पाएं, जैसे हर एक इंसान अपने पार्टनर के साथ करता है। सो लॉन्ग टाइम स्टेबिलिटी का सोच रहे हैं, इसलिए काफ़ी थक रहे हैं, हार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन स्टिल ही और शी इज़ डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है। तो वो जो है हार्ड वर्क कर रहे हैं। और डियर यूनिवर्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है 5 ऑफ पेंटिकल, तो इट मीन्स अभी कुछ ऐसा है जो आप लोगों के बीच सामने कोई चीज़ नहीं आई है, या मे बी वो आपसे छुप के कुछ काम कर रहे हैं, या आपको वो काम पसंद नहीं है, इस तरीके की जो है वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ठीक है। सो ओके डियर यूनिवर्स, और बताएं मुझे जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर जो हैं वो क्या कुछ फील कर रहे हैं, मतलब करंट इमोशन क्या है, क्या कुछ चल रहा है। ओके, रिवर्स में आया है, बट मैं सीधा करके ही रीड करूंगी इसे। 3 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, जो आपके पार्टनर हैं, ठीक है, जेमिनाई, विर्गो, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज, एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है। और एरीज लियो सेजिटेरियस के साथ साथ वो मुझे, आपके पार्टनर जो हैं, मुझे जो बहुत ज़्यादा पाइसिस की एनर्जीज भी दिख रही हैं। सो दूसरी चीज़, आपके पार्टनर का या आपका बर्थ जो नंबर है, ठीक है, वो 10 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 और 4 का भी कोई कॉम्बिनेशन मुझे दिखाई दे रहा है। किसी किसी के लिए मुझे 24 और 23, 27 ये डेट्स भी दिख रही हैं, तो ये भी हो सकता है या आपका बर्थ टाइम है, बर्थ डेट है, या आपके पार्टनर का है, तो कुछ भी, मतलब इनके साथ आपको रिलेट कर लेना, ठीक है, जिसके साथ भी ये रेजोनेट हो रहा है।
दूसरा मुझे जो दिख रहा है वो देखो स्काई ब्लू कलर की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, तो इट मीन्स बंदा कुछ नया करने के लिए तैयार है, मेहनत कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए आपके साथ ही वो सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। देखिए मेहनत कर रहे हैं आपके साथ घर बसाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो भी उनके साथ आपने अच्छा बुरा टाइम, जो भी मतलब अच्छी वाली चीजें हैं, कोई सेलिब्रेशन है, वो आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन जो अभी जो उनके एनर्जीज हैं वो सोच तो कुछ यही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो 7-7 का 2 बार नंबर आया है, या तो वो देखिए आपकी कुंडली में, आपकी आपके पार्टनर की कुंडली में केतु अच्छी पोजीशन पे नहीं चल रहा है, जिस वजह से आप दोनों की लगातार फाइट्स हो रही हैं। करंटली वो थोड़ा चीटेड भी फील कर रहे हैं और थोड़ा ना दिमाग से ये वहमी ज़्यादा हो गए हैं आपके पार्टनर, अलग अलग तरीके की बातें बना रहे हैं, अगर ऐसे हो गया तो, अगर वैसे हो गया तो मतलब जो ओवरऑल मैं अगर देखूँ तो शक की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर के करंट इमोशंस हैं, और बताएं यूनिवर्स मुझे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के करंट इमोशंस क्या हैं। फैंटेसी में जी रहे हैं, अलग अलग प्लान्स कर रहे हैं, और सुबह होते ही वो प्लान्स छू मंतर हो जाते हैं, जैसे आपके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा, अगर मैं बहुत ज्यादा कह रही हूँ इट मीन्स बहुत ज्यादा है। सो एनर्जीज ऐसी हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपके बारे में सोचा जा रहा है, और दूसरी चीज किसी के साथ डिस्कस भी कर रहे हैं वो, और काफी अकेलापन फील कर रहे हैं, कि कोई बात नहीं अगर चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं मेहनत करते हैं, और अब इस पचड़े में नहीं पड़ना है कि फिर से वो कंफ्यूजन आएगा, फिर से लड़ाई होगी, या आपस में आप दोनों की अच्छे से नहीं बन पाएगी। सो वो ना इस चीज से थोड़ा दूर हटना चाह रहे हैं, बचना चाह रहे हैं एक्चुअली। सो ये हैं आपके पार्टनर के करंट इमोशंस। और जो मैं दूसरी चीज देख पा रही हूँ, आज के दिन किसी ना किसी का, जिसका आपका फोन कॉल का कोई प्रॉब्लम चल रही थी, बात नहीं हो पा रही थी, या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में थे, तो उनके लिए ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की जो एंडिंग है बहुत जल्दी हो रही है, 1-2 दिन में किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए 4 दिन में। सो इससे ज्यादा टाइम मुझे लग नहीं रहा है कि वो रुकेंगे, क्योंकि फुल मून भी आने वाला है। सो फुल मून के बाद भी काफी इमोशनल फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस आ जाता है, जैसे वो अभी फील कर रहे हैं तो वो उस टाइम फील नहीं करेंगे उतना, ठीक है। सो अब देखते हैं अपलिफ्टिंग थॉट से कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। चलिए डियर यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या हैं। देखिए उन्होंने ये मान लिया है कि हर चीज हमारे लिए काम कर रही है, कोई बात नहीं, बुरा टाइम भी आता है, अच्छा टाइम भी आता है, तो यही वो बुरा टाइम चल रहा है ये मान के वो बैठ गए हैं, जिसमें वो बिल्कुल जिद नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं कर रहे हैं, बस शांत बैठे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजों को कि कब चीजें ठीक होंगी। आगे है सी द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग, तो आपके पार्टनर जो है अच्छी चीजें देख रहे हैं आपके अंदर, या आपके और उनके रिश्ते के बीच में जो भी अच्छी पॉजिटिव चीजें हैं उनके बारे में देख रहे हैं, सोच रहे हैं। सो आपसे भी वो यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी अच्छा देखें, अच्छा सोचें और अच्छा ही बोलें, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग। एक बार लास्ट कार्ड और यूनिवर्स इंपल्स आ रही है कि मैं देख लूँ आपके लिए, सो वो देख लेते हैं। गुड फीलिंग, तो देखिए गुड फीलिंग इज द की। अब सब चीजों में जैसे मैं नॉर्मल भी गाइड करती हूँ कि गुड फीलिंग से क्या है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो फील गुड, गुड फील करना ही अपने रिलेशनशिप या किसी भी चीज को हील करने का सोल्यूशन है। सो उसके लिए डांस करें, जिनसे आपको बहुत प्यार है, जो आपसे प्यार करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करें, है ना, जिससे आपको अच्छी वाली गुड फीलिंग अपने आप क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। सो चलिए अब लव मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। 3 निकाला है मैंने। पहला है प्लीज से समथिंग, इट मीन्स साइलेंस वॉर चल रही है आप दोनों में, और वो चाह रहे हैं कि ओहो फिर से ऐसे चुप ना रहो। शायद चुप्पी वाला माहौल ज्यादा है, तो उस बारे में वो बात करना चाह रहे हैं कि प्लीज चुप ना रहो, मुझसे बात करो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो ही और शी वॉन्ट्स टू मैरी विद यू। सो प्लीज यही थी रीडिंग, और अगर आपकी बात उनसे हो रही है या आज होगी तो अच्छे से उनसे बिहेव करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्यार से बात करने से भी हील हो जाएंगी, ठीक है। सो यही थी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। सो थैंक यू, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके थैंक यू।